गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, सीपीसी करियर पर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.4। और इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले इसमें जो थ्योरी यूज होगा वो बस एक फार्मूला यूज है, इसी पे आधारित सभी क्वेश्चंस बनेगा, वो है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस मुझे यही याद करना है। इसमें क्या दिया रहेगा, सबसे पहले एक त्रिभुज दिया रहेगा जिसके तीनों शीर्ष का नियामक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दिया रहेगा। अगर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी उसके क्या है, शीर्ष बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्रमशः एक्स वन बाय वन, एक्स टू बाय टू, एक्स थ्री बाय थ्री दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बस ये मुझे पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया गया इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 7.4 है ना। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का नियामक, ए का नियामक कितना दिया है एक्स वन बाय वन, बी का एक्स टू बाय टू, सी का एक्स थ्री बाय थ्री है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, आप देख रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका नियामक ए का एक्स वन बाय वन, बी का एक्स टू बाय टू, सी का एक्स थ्री बाय थ्री, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए मुझे फाइंड करना। तो आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है, एक बटा टू, ये मॉड का सिंबल है, ध्यान दीजिए मॉड का सिंबल है ना, मॉड का सिंबल है, एक्स वन इन टू बाई टू माइनस बाई थ्री, एक्स वन घेर करके बाई टू माइनस बाई थ्री, प्लस एक्स टू इन टू बाई थ्री माइनस बाई वन, प्लस एक्स थ्री इन टू बाई वन माइनस बाई टू। आपको यह ध्यान रखना है कि बाहर रखना है एक्स वन को, रखना है एक्स टू को, रखना है एक्स थ्री को, रखना है अंदर में। आपको सीक्वेंस आसान से आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए क्या याद रखेगा, तेईस है, तेईस है, फिर तेईस के बाद क्या है इकतीस है, और क्या है बारह, यही याद रखना है, तेईस इकतीस बारह। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो पुट कर दीजिएगा वैल्यू, क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। ये आपका हो गया ट्रायंगल फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए दूसरा आपको दिया है, बिंदु ए जिसका नियामक x1 by 1, b जिसका नियामक x2 by 2, तथा c जिसका नियामक x3 by 3 संरेख होगी। यदि ये तीनों बिंदु संरेख होगी, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होगा, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बराबर जीरो, तो एक बटा दो क्या हो जाएगा, जीरो। अतः हम कह सकते हैं एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, प्लस एक्स टू इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन, प्लस एक्स थ्री इंटू बाई वन माइनस बाई टू इज इक्वल टू जीरो। मुख्य रूप से यही चीज हम लोग को प्रयोग करना है इस एक्सरसाइज में, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया गया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक्स वन बाय वन, एक्स टू बाय टू, एक्स थ्री बाय थ्री पहचानना जानते हैं, उसके बाद अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, बस यही आप फॉर्मूला में याद रखिएगा कि 23, 32 और 12, 23, 32 और 12, बस फॉर्मूला में इतना ही बात याद रखिए, कोड आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हमें दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का नियामक निम्न है, दिया गया कितना, 3, -4, 7, -5, -1 और 10। मैंने क्या किया, एबीसी एक ट्रायंगल माना जिसके नियामक 3, -4, 7, 5, -1 और 10 है। अब समझिए इसी चीज को मैं लिखता हूं, माना कि त्रिभुज, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक ए कितना है 3, -4, बी 7, 5 और सी कितना है -1 और 10। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है एक्स वन बाय वन, ये आपका क्या है एक्स टू बाय टू, ये आपका क्या है एक्स थ्री बाय थ्री, हो गया। हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एक बटा टू मॉड एक्स वन इंटू बाय टू माइनस बाय थ्री, 23, 31, 12, बाय टू माइनस बाय थ्री, प्लस एक्स टू इंटू बाय थ्री माइनस बाय वन, प्लस एक्स थ्री इंटू बाय वन माइनस बाय टू। चलिए वैल्यू पुट कर दिए, एक बटा टू, एक्स वन का मान कितना दिया गया 3, मैंने पुट कर दिया, बाय टू का मान कितना दिया यहां से ना, बाय टू का मान कितना दिया 5, फॉर्मूला माइनस वाला, माइनस बाय थ्री का मान कितना दिया गया 10, प्लस एक्स टू का मान कितना दिया, एक्स टू का मान कितना दिया गया 7 इंटू बाय थ्री का मान कितना दिया गया, बाय थ्री का मान कितना दिया 10 बाय थ्री, और माइनस क्या होगा बाय वन, बाय वन का मान कितना दिया -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर बाय एक्स थ्री का मान कितना दिया गया -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर हमें क्या करना है बाय वन माइनस बाय टू, तो बाय वन का मान कितना दिया है -4, माइनस बाय टू का मान कितना हो जाएगा -5 होगा फॉर्मूला से, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू घट करके क्या बचा -5, प्लस 7 गुने 10 4 14,
माइनस वन इंटू प्लस माइनस फोर और माइनस फाइव कितना जगह माइनस नाइन मॉड में ही है ना, एक बटा दो ये हो गया, पांच तीन माइनस पंद्रह, चौसठ अंठानवे, माइनस माइनस प्लस नौ एक नौ हो गया। अब ध्यान दीजिए आप अंठानवे प्लस नौ क्या हो गया 107, 107 में से 15 गया क्या बचेगा बानवे। मॉड में जो प्लस में होता है या माइनस में होता है, मॉड में जो प्लस में होता है या माइनस में होता है, मॉड से बाहर निकलता है तो क्या निकलता है हमेशा प्लस में निकलता है। इसलिए क्या लिख दिया एक बटा टू इंटू बानवे कट गया, कितना से छियालीस दुना बानवे क्या आ गया छियालीस। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 46 स्क्वायर यूनिट, आप इसको वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि बिना मात्र के कुछ नहीं होता। अब ये भी आप ध्यान लीजिए कि मॉड में ही क्या होता है, क्योंकि किसी भी शेप का जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड में कर दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और मॉड से जो भी निकलता है क्या निकलता है पॉजिटिव निकलता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आगे आसान से बना लीजिएगा, आपका क्वेश्चन एक का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान ये भी है, सेम इसी प्रकार से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कितना आसान है, कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित है, कितना दिया है 1 1, 7 -3, 12.2 और 7.21 दिया है। अब मैंने मान लिया कि एबीसीडी क्या है चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है ये पता नहीं है, मैंने मान लिया है ना। और समझिए ए का नियामक कितना माना दिया है 1 1, बी का 7.-3, सी का 12.2 और डी का कितना 7.21 दिया है। आप क्या कीजिए इसके किसी भी एक विकर्ण को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है दो आपका क्या बन जाता है त्रिभुज बन जाता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज के फॉर्मूला से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज के फॉर्मूला से, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को एड कर देंगे बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। माना कि एबीसीडी क्या है चतुर्भुज है जिसके शीर्षों का नियामक कितना ए 1 1, बी 7.-3, सी कितना 12.2, डी कितना 7.21, विकर्ण एसी को क्या किया है मिलाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। अगर मैं ए बी सी की चर्चा कर रहा हूं तो ए होगा आपका एक्स वन बाई वन, बी होगा एक्स टू बाई टू, सी आपका क्या होगा एक्स थ्री बाई थ्री होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2 एक्स वन का मान, आप यहां ध्यान दीजिएगा एक्स वन का मान 1 बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई टू का मान माइनस थ्री, बाई थ्री के मान कितना माइनस दो, प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना 7 इंटू बाई थ्री, बाई थ्री का मान कितना माइनस दो, सॉरी बाई थ्री का मान 2 माइनस बाई वन का मान कितना 1, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री का मान कितना दिया गया है 12 है, याद ध्यान दीजिए 12 दिया गया है। और फिर हमको क्या करना है बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन का मान कितना है 1 है, बाई वन का मान कितना है 1 है, और बाई टू का मान कितना है माइनस थ्री है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया माइनस पांच, यहाँ पर कितना घट करके एक गुना होगा कितना 7, यह होगा 3 × 4 बरसते बच्चों के 48। अब ये घट गया कितना हो गया यहाँ पर प्लस 2, 2 जुड़ गया 50 हो गया, मोड से बाहर निकला प्लस में ही रहेगा 25 × 50 कितना हो गया 25 स्क्वायर यूनिट हो गया। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी को ज्ञात कर रहे हैं 1/2 एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री। अब ध्यान दीजिए ए सी डी, अगर हम ए सी डी लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन बाई वन, सी हो जाएगा आपका एक्स टू बाई टू, और डी आपका हो जाएगा एक्स थ्री बाई थ्री हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए मॉड 1/2 मॉड एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, वैल्यू वहां से आप पुट कर लीजिए है ना, प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना 12 12 क्या होगा आपका बाई थ्री माइनस बाई वन, प्लस एक्स थ्री इंटू क्या हो जाएगा बाई वन माइनस बाई टू। चलिए सोल्व करते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 19, एक से गुना होगा माइनस 19, 12 से गुना होगा कितना है यहाँ बचेगा 20, तो 12 × 20 कितना हो गया 240, यहाँ पर कितना होगा माइनस 1 से 7 गुना होगा माइनस 7। अब क्या कीजिए माइनस 7 और 19 कितना हो जाएगा माइनस 26, घटा दीजिए कितना बचेगा 240, 1/2 × 240 मोड से बाहर निकलेगा प्लस में कट जाएगा 107, आपका कितना निकल गया 107 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मैं कितना ज्ञात किया हूं 25, इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 107, जोड़ दिए कितना आ गया 132 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से आप दो नंबर का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा दो नंबर बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, तीन नंबर भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज की माध्यिका क्या कह रहा है? त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है जिसके शीर्ष का नियामक दिया गया ए का 1.2, बी का 2.5 तथा सी का 3.1। तो मुझे ये प्रूव करना है, जैसे आप समझिए कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसके कोई भी एक जो माध्यिका, मैंने ए डी एक माध्यिका इसका मान लिया है, तो इसे दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बनता है ए बी डी और एक बनता है ए सी डी। तो कह रहा है कि इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसे क्या करें? प्रूव करें। ज्योमेट्री में आप तो जानते हैं कि ये दोनों बराबर होता है, प्रूव भी होता है, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। चलिए ध्यान देते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे डी का, क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है मिड पॉइंट से, क्योंकि मुझे पता है कि माध्यिकाएं जो होती है, माध्यिकाएं की जो भुजा पे जो बिंदु होती है वो क्या करती है, भुजा के मध्य बिंदु होती है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्वेश्चन तो सेम उसी टाइप से बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ए का मान 1.2, बी का मान 2.5, सी का मान 3.1 है, एडी क्या है माध्यिका। साबित करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। प्रमाण में हम लोग चलते हैं, चूंकि एडी क्या है माध्यिका है, इसलिए डी बीसी का क्या होगा मध्य बिंदु। तो डी का नियामक आप ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा x1 + x2 तो 3 × 2 = 5 / 2, y1 + y2 तो 3 × 1 = 4 / 2 = 2 आपका निकल गया 5/2, 2। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x mod x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y2 / 1 - y2। हम इसी का प्रयोग करते हैं, हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए बी डी का। अब ध्यान दीजिए इस त्रिभुज पे, आप ध्यान दीजिएगा है ना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1/2 mod x1 का मान कितना 1, x1 का मान कितना 1 into y2 - y3, y2 ये है ना, बी y2 आपका, यहां से लेंगे हम लोग y2 - y3 प्लस x2 का मान कितना है 2 into y3 - y1, y3 का मान आपका कितना हो गया, y3 का मान 2, y1 का भी मान कितना 2, प्लस x3 का मान कितना 5/2, फिर यहां से कितना y1 - y2 कैलकुलेशन कर दिए, यहां पर कितना होगा 1 से गुना होगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 से गुना होगा 2, 0 हो जाएगा, यहां पर कितना -1 × 5/2 क्या हो जाएगा 5/2, एलसीएम हम कितना लेंगे 2, तो इधर चला जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3 -3/2, मॉड से निकलेगा +1/2 × 3/2 = 3/4 square unit। आपका किसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया ए बी डी का। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे ए सी डी, तो ये आपका हो जाएगा x1/1 x2/2 x3/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज इक्वल टू 1/2 × x1 के मान कितना है 1 into क्या होगा y2 - y3 y2 का मान 1 y3 का मान 2 तो -2 हो गया प्लस x2 का मान कितना है 3 है ना, फिर क्या आपका होता है y2 - y3 - y1 y3 का मान कितना है 2 y1 का मान कितना है 2 फिर कितना होता है x3 into y1 - y2 y1 का मान कितना है 1 y1 का मान कितना है 1 y2 का मान कितना है सॉरी y2 का मान कितना है हाँ by 1 का मान 1 और y2 का मान कितना सॉरी by 1 का मान 2 और by 2 का मान 1। अब ध्यान दीजिए यहां से कैलकुलेशन करते हैं कितना हो जाएगा -1, 2 में से 2 या 0, 0 × 3 = 0, यहां क्या होगा +1 से गुणा होगा 5/2 क्या हो जाएगा 5/2। अब ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे -2 हो जाएगा यहां 5 तो कितना बच जाएगा 3/2, आप मॉड से बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा 3/2 square unit। आप देखिए समीकरण 1 और देखिए और समीकरण 2 देखिए, दोनों का RHS क्या है बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल 3/4 square unit है, 3/4 square unit है, इसलिए क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर हो गया, यहां प्रूव दिखा दिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यदि ए बी सी बिंदु है, ए बी सी क्या दिया है बिंदु है जिसका नियामक दिया गया है -1, 5, 3, 1, 5 और 7 और डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आप इसको पहले समझिए क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, उसके बाद फिर लिख देना है। क्या दिया गया ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया जिसका तीनों का क्या दिया गया, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया। उसके बाद कह रहा है
कि डी ई एफ है ना, डी ई एफ क्रम सा बी सी सी डी और ए बी का क्या, सॉरी बी सी सी ए और ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु का नियामक याद कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दिखा देंगे क्या चीज की, इसका जो क्षेत्रफल ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इससे चार गुना बड़ा है। चलिए ध्यान देते हैं, इस चीज को मैं बनाता हूं। क्या दिया गया है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए माइनस वन कॉमा फाइव, बी थ्री कॉमा वन तथा सी फाइव कॉमा सेवन है। डी एफ क्रम सा बी सी सी ए और ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ। क्या लिखा मैंने, डी ई तथा एफ क्रम सा बी सी सी ए और बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए डी का नियामक क्या होगा, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो तीन प्लस पांच आठ, आठ बटे दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर बाई वन प्लस बाई टू, एक प्लस सात आठ, आठ बटे दो कितना हो जाएगा, चार। उसी प्रकार आप क्या निकालिएगा, ई का निकालिएगा तो कितना होगा, पांच प्लस पांच और माइनस एक कितना हो जाएगा, चार। चार का आधा कितना हो जाएगा, दो। फिर सात पांच बारह, बारह का आधा कितना हो जाएगा, छह निकल गया। एफ का निकालिएगा था कितना, माइनस एक और तीन कितना हो जाएगा, दो, और दो बटा दो बराबर कितना हो जाएगा, एक। फिर यहां से कितना, पांच एक छो, छो कितना हो गया, तीन। ये आप निकल गया, मैंने यहां ई निकाला, एफ निकाला, डी ई एफ, ये तीनों आपका निकल गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं पीछे क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, एक बटा टू मॉड एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन। अब वैल्यू क्या करते हैं, सॉरी यहां पर होगा बाई वन माइनस बाई टू है ना। अब ध्यान दीजिए, चलिए वैल्यू सबका पुट कर देते हैं, एक बटा टू, एक बटा टू यहां से आप है ना, बाई वन इंटू सॉरी एक, एक बटा टू इंटू एक्स वन का मान कितना है, माइनस वन इंटू बाई टू, बाई टू का मान कितना है, वन, बाई थ्री का मान कितना है, सेवन, तो माइनस सेवन प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना है, थ्री इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाई थ्री, बाई थ्री का मान कितना है, सेवन माइनस माइनस बाई वन का मान कितना है, पाँच प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री का मान कितना है, एक्स थ्री का मान कितना है, फाइव इंटू बाई वन, बाई वन का मान कितना है, फाइव माइनस बाई टू, माइनस बाई टू का मान कितना है, वन। चलिए कैलकुलेशन कर दिया, कितना हो जाएगा, माइनस छः से माइनस से गुना होगा, छः हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, दो तीन दूने कितना हो जाएगा, छो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार, चार पचे बीस हो गया, बीस छो छब्बीस, छब्बीस छो बत्तीस, मोड से निकलेगा बाहर, एक बटा बत्तीस कितना हो गया, सोलह, कितना आ गया, सोलह स्क्वायर यूनिट। किसका आंसर आ गया, आपका आ गया ए बी सी का क्षेत्रफल। उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इस छोटे वाले है ना, इसके अंदर वाला जो है मिड पॉइंट के मिलाने से जो बना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बटा टू, अभी हम आते हैं डी डी, तो ये आपका क्या होगा, एक्स वन बाय वन, इससे क्या क्या होगा, एक्स टू बाय टू, यहां से लेंगे एक्स थ्री बाय थ्री, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वन का मान कितना, चार, एक्स वन का मान कितना, चार, बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई टू का मान कितना है आपका, छो, बाई थ्री का मान कितना है आपका, तीन, प्लस एक्स टू, एक्स टू हो गया, उसके बाद बाई थ्री माइनस बाय वन, बाई थ्री का मान कितना आपका दिया गया है, थ्री, बाय वन का मान कितना दिया गया है, फोर, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री का मान कितना है, वन, बाय वन माइनस बाई टू, बाय वन का मान कितना है, चार, बाय टू का मान कितना दिया गया है, छो, कैलकुलेशन कीजिए, यहां से कितना बचेगा आपका, घट गया तीन, तीन चौके बारह, यहाँ कितना बचेगा, माइनस वन हो गया, माइनस टू, यहां से कितना बचेगा, माइनस दो गुने एक माइनस दो, चार, दो दो चार, बारह गया आठ, बाहर निकल गया चार, कितना हो गया, चार स्क्वायर यूनिट। अब ध्यान दीजिए एबीसी का जो क्षेत्रफल आया है सोलह स्क्वायर यूनिट आया है, और डीएफ का क्षेत्रफल कितना है, चार स्क्वायर यूनिट है, इसका मतलब ये चार है तो ये सोलह, इसका मतलब ये वाला छोटा वाला कितना है, चार, ये छोटा वाला कितना है, चार है, और बड़ा वाला टोटल बड़ा वाला कितना है, सोलह, तो बताइए चार गुना हुआ, इसलिए हम क्या कहते हैं, समीकरण एक और दो से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू चार गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है, बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर छः। चलिए क्वेश्चन नंबर छः भी आपसे बन जाएगा, चलिए देख लेते हैं, देखते हैं आगे।